सो न्यू टॉपिक इज अल्टरनेटिंग करंट। जेई में इसका वेटेज अच्छा खासा है, बहुत पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड किया। और इसका ईएमआई से क्या क्या रिलेशन है वो बता रहा हूं। तो कहोगे सर आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, इससे पहले जो करंट पढ़े थे वो कौन सा करंट था? उससे पहले जो करंट पढ़े थे दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। In that case, करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो एक ही डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे तुम लोगों ने ये पढ़ा, बैटरी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होते रहता है डायरेक्शन, नॉट ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहता है ना। तो ये है क्या, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो बता रहा हूं। जो बच्चे आज नया है उनको हो सकता है थोड़ा नहीं समझ में आए। सपोज किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड देयर इज ए क्वाइल हियर, एक क्लोज लूप ले लिया, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं और एक टर्मिनल यहां पे, एक टर्मिनल यहां पे, सो एन लूप से जो भी है, ऐसा ईएमआई में डिस्कस किया था। और इसको ना रोटेट करो और क्लोज लूप बनाने के लिए, देखो अभी दो टर्मिनल अलग है, कहोगे सर आपने कहा क्लोज लूप, तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक बल्ब ले लेता हूं, सर ये आप डिजाइन क्या बना रहे हो, बनाने तो आता नहीं मुझे डिजाइन। क्या है बच्चों कि अभी ना इस लूप को मैं रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट होगा तो अगर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, वेल्डिंग कर दिया तो रोटेट होगा तो दिस वायर विल गेट्स वाइंड अप इन दिस। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहां पे एक वायर है, ये पूरा स्ट्रिप है, उस पर कंडक्टिंग स्ट्रिप, और उस पर एक वायर को जस्ट ऐसे स्ट्रिप लगा करके, इसको इलेक्ट्रिक ब्रश करते हैं, ऐसे टच करा दिया। सो व्हेन इट विल रोटेट, ये उसके साथ वाइंड नहीं होगा, जस्ट टच रहेगा। सिमिलरली वही मेथड यहां भी अप्लाई किया, ये टच किए हुए। अब कहोगे सर इसको अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सो इसका भी एरिया वेक्टर मैं ले लेता हूं इनटू द प्लेन। एंड अगर मैं फ्लक्स बोलूं, पुराने बच्चों को तो सबको क्लियर है, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन हो जाएगा फ्लक्स। बट इफ दिस इज रोटेटिंग, तो देखो ऐसे है, इसको रोटेट किया तो किसी टाइम पे ये कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा हो जाएगा ओमेगा इनटू टी। तो उस समय फ्लक्स एट एनी टाइम टी क्या होगा,
एंड बी ए और फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा होता है ना। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत? अभी ऐसे जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकता है। अभी एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन, दोनों के बीच का एंगल जीरो, ये रोटेट किया मनस्वी, क्लियर? ये तो इसमें ये मैं जो डिफरेंस होगा डी फाई अपॉन डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द लूप एन बी ए साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा। अगर इस पूरे लूप का ऐसा रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो करंट विल बी एन बी ए ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस आर साइन ओमेगा टी। अब ये देखो करंट साइन ओमेगा टी है, करंट कभी जीरो है कभी पॉजिटिव है, फिर कभी देखो ये निगेटिव भी होगा। इफ यू ड्रॉ द करंट का डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा? ये साइन ओमेगा का फंक्शन है, कंटिन्यूअसली करंट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स चार्ज कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फिर कुछ टाइम तक दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। और तुम इजिली गेस कर सकते हो कि चार्ज अगर एक टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया इससे, कहोगे जीरो, पहले इधर फ्लो किया और बाद में दूसरे डायरेक्शन में फ्लो किया एक टाइम पीरियड। दो टाइम पीरियड में भी उतना ही होगा जीरो, तीन टाइम पीरियड में भी जीरो होगा। ये जो देखो ईएमएफ या करंट कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया था कि ऐसा करंट होता है, ऐसा अगर रोटेट करेंगे तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि बहुत सारे जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो सारे मैक्सिमम जैसे तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चाहे कुछ और भी चीजें हैं, वो तो वर्क करता है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करे, है ना। लेकिन ये तो अल्टरनेट फ्लो करता है, तो जिस समय इसका इन्वेंशन फर्स्ट टाइम किसी ने देखा कि ठीक है कि कभी इधर ईएमएफ जनरेट होता है कभी इधर, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया, उसका सेमिनार चल रहा था, वो डिफेंस कर रहे थे, तो बाकी साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि ठीक है तूने देखा कैसे रोटेट करेंगे तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा अल्टरनेटिंग, लेकिन इसका यूज क्या है, क्या करोगे इससे, हमें तो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में करंट चाहिए, इसका कोई एप्लीकेशन है क्या। तो बड़ा फेमस जवाब था जिन्होंने ये पहली बार देखा था, उन्होंने कहा सर हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से। यस, वो सारी चीजें बाद में आई, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उस समय तक तो आइडिया नहीं था, जस्ट ये नया इन्वेंशन था, तुम्हें अभी थोड़ा पता है इसलिए बता दिया। टेस्ला ने किया था ना। सो ही सेड दैट व्हाट इज, मतलब लोगों ने कहा कि इसका क्या प्रोस्पेक्ट है, तो उन्होंने कहा व्हाट इज प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत में पूछेंगे इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, इसको खाना पीना छोड़ा देते हैं? नहीं,
हम उसको उतना ही अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उतना अच्छे से फीडिंग करते हैं, उसका स्कूलिंग करवाते हैं, है ना। और बाद में आगे जा करके वो राहुल गांधी बन रहा है कि मोदी जी बन रहे हैं कि लालू यादव बन रहा है या कोई साइंटिस्ट बन रहा है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा काम क्या है कि ये एक नया चीज आया, कुछ इन्वेंशन हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड देन देखेंगे कि इसका कितना प्रोस्पेक्ट है, है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग में डायरेक्टली कोई नहीं कह सकता है कि इसका यही होगा, दिस इज अ न्यू कुछ आया था। और तुम्हें पता है कि अगर अल्टरनेटिंग करेंट नहीं होता तो हमारा ये सिविलाइजेशन इतना आगे नहीं बढ़ता। जिस ईएमआई में ही मैंने कहा था कि ईएमआई से ही आया था, इतने लार्ज स्केल पे डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, है ना। डीसी करंट का बहुत लिमिटेशन है। फिर बाद में बहुत सारी मीटिंग हुई कि बाद में कि एसी को धीरे धीरे लगाने, इसका भी यूज है, इसका भी किया जा सकता है। फिर बाद में हुआ कि एसी पे फोकस किया जाए या डीसी पे, सो बहुत सारे रीजन से एसी करंट को फेवर किया गया। और अभी अथर्व ने बताया कि वन ऑफ द रीजन इज कि एसी करंट का जब हम प्रोड्यूस करते हैं एसी करंट और उसको एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग मच एनर्जी। तुम जानते हो कि कहीं एसी का पावर प्लांट जो है कहीं और है और हमारे सिटीज में आता है लंबे डिस्टेंस चल के, तो एनर्जी का लॉस होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि जब वायर से करंट जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर तो जाएगा ही, जानते ही हो। क्योंकि सर इसमें क्यों ऐसा, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। डीसी में एक जो वोल्टेज है वही वोल्टेज पे जाएगा, लेकिन एसी में क्या होता है कि हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर बढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज अभी जो वोल्टेज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड ये है जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। और तुम लोगों को पता होगा कि शायद जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है एसी करंट का, उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, 900,000 वोल्ट ऐसा सुना होगा, जो ऊपर में वायर बहुत ऊंचा लगा रहता है, बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं। अगर बहुत नीचे, अगर नीचे रहा तो वो फिर बहुत डेंजरस होगा, है ना, बहुत हाई वोल्टेज पे ले जाते हैं। तो अगर एसी करंट को बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कराते हैं तो एनर्जी का लॉस कम होता है, है ना। तो एनी चीज, एनी वे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी फैक्टर्स हैं। आपको अगर सर एसी करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, बच्चों क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिए, है ना, और ऐसा क्वाइल बना दिया और इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब रोटेट कराने के लिए बहुत सारे मेथड है, इंडिया में तो टेक्नोलॉजी कम है, तो क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं और स्टीम बनाते हैं, स्टीम को पास कराते हैं टरबाइन से और ये टरबाइन इसको रोटेट करता है। मतलब सोचो कि हमें करंट जनरेट करना, अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या करना है, इस कॉइल को रोटेट कराना है। इनर्जी कहीं अपने आप से तो आएगा नहीं, जनरेट तो होगा नहीं, तो किसी एक इनर्जी के फॉर्म को दूसरे इनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग कन्वेंशनल वही करते हैं, इंडिया में कोयला है ही बहुत सारा, जला जला के खत्म करते हैं, बाद में फिर कुछ देखेंगे। तो बच्चों ये समझना, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, एसी करंट जो इतने लार्ज स्केल पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका यही बेसिस है, यही मेथड है, इस कॉइल को रोटेट करना। और क्या मेथड हो सकता है, मनस्वी बताओ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो, श्रुति ने बताया सर न्यूक्लियर फ्यूजन से भी तो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से भी इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है तो उसका बेसिस यही है सर। विंड, वो विंड से भी, मनस्व एकदम सही, विंड बहुत, जो विंड एनर्जी है उसको अगर यूटिलाइज करना है तो वहां भी क्या रहता है, देखोगे कि विंड मिल जो रहता है वो भी रोटेट करता है ना, विंड स्ट्राइक किया और ये विंड मिल को रोटेट किया, वहां भी रोटेशन है। हाइड्रो पावर,
पानी ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पे टर्बाइन होता है, यहाँ पे और उस टर्बाइन पे वाटर गिरा, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उस काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें रोटेशन देते हैं और वो रोटेशन से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रो पावर में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वाटर ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो पहले काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, फिर इसको रोटेशन देगा और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगा। विंड एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गया। और जो इंडिया में कोयला जला के करते हैं, कुछ है नहीं हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, कोयला जला उसका जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। श्रुति ने बताया सर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम लोग पढ़ेंगे या सर ने बताया होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन करवाते हैं और फ्यूजन कराने के बाद जो एनर्जी निकलता है हीट होता है उस वहां से वाटर पास कराते हैं, वाटर बहुत ज्यादा हीट लिया स्टीम बन गया और स्टीम को टर्बाइन से पास कराते हैं और टर्बाइन में यही रहेगा, वहां भी कॉइल रोटेट होता है। तो बेसिस यही है, ये सबको शायद समझ में आ गया होगा। दिस इज द मेथड अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़े बच्चों, इससे बच्चों समझना, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा चैप्टर है कि अगर तूने पढ़ लिया अच्छे से तो बहुत मजा आएगा और इसके क्वेश्चंस बहुत मजे से सॉल्व करोगे और इमीडिएटली मैं टेस्ट भी रखूंगा इस पर। तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में अभी देख लिया, करंट जो होगा समथिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसाइडल फंक्शन है, ऐसे रहेगा। ये कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स कि टी इक्वल टू जीरो हम कब ले रहे हैं, उस समय क्या करंट है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इस फॉर्मेट में होगा। यहां पे कुछ फाइल लिख देता हूं और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इसको बहुत एंजॉय करोगे अगर तूने क्लास ध्यान से देखा तो, नहीं देखा तो फिर एकदम से नहीं समझ में आएगा, कंसंट्रेट करना है। इसको बच्चों बोलते हैं पीक वैल्यू, जिस मेथड से भी प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा सोर्स है। जैसे डीसी के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो पता है, एसी के लिए ऐसा सिंबल दिखाते हैं, दिस इज द सिंबल। अब ये हो गया एसी सोर्स, तो मैं इस अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ना है पहले वो समझाता हूं, पहले बताता हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसको मैं मेंटली दो पार्ट में बांटता हूं। पहला पार्ट, अगर किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है तो उस सर्किट में उस रेजिस्टर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एवरेज करंट क्या है ना। ये करंट अभी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज क्या है। एक और टर्म बताऊंगा आरएमएस करंट क्या होता है ना। अगर करंट का साइनोसॉइडल के अलावा कुछ और दूसरे तरीके का हो तो उस केस में एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज आरएमएस ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। पावर कितना जनरेट होगा जो छोटा पार्ट है ना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा अगर एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स से कनेक्ट किया है रजिस्टर, या कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर, या कनेक्ट करते हैं इंडक्टर, या इसके कॉम्बिनेशन, समझना कि क्या पढ़ने वाले हैं। एसी सोर्स से सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड है तो क्या होगा, सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो क्या होगा, कितना करंट होगा, या उसके कॉम्बिनेशन। तीन टर्म, तीन ये रहेगा एलिमेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड इसके कॉम्बिनेशन होगा, यही चीज पढ़ना है पूरा।
ठीक है। और लास्ट में जो हमने बताया एक और चीज, ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज। तो मेंटली हमने क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। पहला एवरेज ओवरेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें एवरेज करंट, तो एवरेज करंट का डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज करंट का डेफिनेशन होता है टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। लिख लो यहां तक। अरे बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, बाकी तुम्हें करना है। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता है आई जो होता है इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई डी टी। तो डेल्टा क्यू यहां से बताओ क्या हो जाएगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम डी टी का इंटीग्रेशन। और एक चीज बहुत अच्छे से समझना, आई एवरेज करंट, एवरेज किसके साथ, टाइम के साथ। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट सीखो, एवरेज ऑफ आई, तो आई डीटी का इंटीग्रेशन टाइम के साथ डिवाइड बाय डीटी का इंटीग्रेशन, दिस इज एवरेज ऑफ करंट। किसी भी चीज का एवरेज करना है किसी भी के साथ तो यही करेंगे। जैसे निकालना होता मान लो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का एवरेज, तो v का एवरेज टाइम के साथ v dt डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक ये है। सो बच्चों ये जो एवरेज वाला फंडा बताया शायद मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया होगा, थर्मोडायनेमिक्स मैंने ही पढ़ाया था तुम लोगों को। तब एवरेज का डेफिनेशन लिखा। तो एक सवाल कर लेते हैं, अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एम, सो निकालो एवरेज करंट पहला सवाल फॉर टी इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा, दूसरा सवाल फॉर टी इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई ओमेगा, तीसरा सवाल फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू ओमेगा, और चौथा टी इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर ओमेगा। और मुझे ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि ये इसका टाइम पीरियड है, ये है टाइम पीरियड बाई टू, ये है टाइम पीरियड बाय 4, ये है टाइम पीरियड बाय 8। टाइम पीरियड के टर्म में देखो तो, और मैं थोड़ा सा गेस भी करना चाहूंगा इसमें थोड़ा गेस वर्क भी करो कि क्या समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर रहे हो कि नहीं चीजों को। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ तो ग्राफ इसका ऐसा होगा बच्चों, ये हो जाएगा t by 2, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t by 4, और ये हो जाएगा t by 2, सॉरी t by 8। एवरेज करंट का डेफिनेशन लिख लेता हूं, आई डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन।
तो कुछ बच्चे तो इतना समझ रहे होंगे कि इस ग्राफ में ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है एरिया अंडर द कर्व, किसका, आई वर्सेस टी का। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक तो ये पॉजिटिव उतना ही ये निगेटिव, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। सो इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली बताता हूं, जीरो होने वाला है। सॉल्व भी करेंगे, करूंगा मैं। क्या सेकेंड और थर्ड का एवरेज, सेकेंड का आंसर और थर्ड का आंसर, कौन सा आंसर बड़ा है या इक्वल होगा, कोई मुझे गेस करके बता सकता है, यहां देख करके थोड़ा दिमाग खोल करके, सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा, अगर डिफरेंट है तो किसका बड़ा है। कुछ तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम से कम 10 बच्चों ने मैसेज किया। अच्छा सेकेंड में क्या है, जीरो से टी बाई टू, मतलब यहां से यहां का एवरेज, और थर्ड में है यहां से यहां का एवरेज, एवरेज। बच्चों ये सेकेंड एंड थर्ड का इक्वल होगा, सेकेंड और थर्ड का आंसर जो होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, तो सेकेंड में आंसर होगा ये टोटल एरिया डिवाइड बाय ये टोटल टाइम, और थर्ड में इतना एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय ये टाइम। तो सेकेंड में एरिया भी हाफ हो गया और टाइम भी हाफ हो गया, एरिया भी हाफ टाइम भी हाफ, सो आंसर विल बी सेम। क्या सबको रियलाइज हुआ, अथर्व गावली? यस, सबको रियलाइज हो, अभी मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगर मैं पूछूं कि थर्ड और फोर्थ में किसका ज्यादा होगा या दोनों इक्वल होगा, थर्ड एंड फोर्थ, स्वाति जोगलेकर बताना तू क्या होगा। सो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों ने सही बताया कि सर थर्ड का आंसर ज्यादा होगा और फोर्थ का कम होगा, बिकॉज देखो फोर्थ वाला जीरो से टी बाई एट तक का है, मतलब अभी तो करंट जीरो से बढ़ रहा है, तो इसमें ये कम होगा और इधर वाले पार्ट में ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं कि इस इंटरवल और इस इंटरवल की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इंटरवल में ज्यादा एवरेज होगा, इनफैक्ट ये और ये देखेंगे तो भी इस इंटरवल में ज्यादा होगा, बिकॉज इधर एरिया ज्यादा है, ये इक्वल इक्वल नहीं है, लेकिन है कितना ये निकालना है। तो ये मैं पहले विजुलाइज करा दिया, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, अब निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और I एवरेज I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कब से, जीरो से वन तो हो जाएगा, टू का करता हूं, जीरो से पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई ओमेगा, व्हाट यू विल गेट, आई नॉट बाहर साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी साइन माइनस और क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई ओमेगा, कोफिशिएंट डिवाइड हो गया, डीटी का इंटीग्रेशन टी लिमिट पुट कर दोगे तो जाएगा पाई बाई ओमेगा, और यहां पे जीरो टू पाई बाई ओमेगा। ओके, ये वैल्यू पुट कर दो, कॉस जीरो वन, कॉस पाई माइनस वन, ये माइनस साइन है तो जाएगा टू, सो आंसर विल बी
टू आई नॉट अपॉन पाई, टू आई नॉट अपॉन पाई, सर्टनली ये टू बाई पाई लेस देन आई नॉट है, होना भी चाहिए। मेडिकल के तो बच्चे जो रहेंगे उसको तो मैं बोलता हूं कि ये रट्टा मार लो, जीरो से इतने में कितना होगा इतना होगा, जीरो से टी बाय फोर में भी क्या आंसर होगा यही रहेगा, लिमिट जीरो से टी बाय फोर में लिमिट यहां से करोगे जीरो टू पाई बाय टू ओमेगा, तो यहाँ पे बच्चों ये वन आ जाएगा और यहां भी पाई बाय टू रहेगा, है ना, तो ये टू जाके यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें अलग होगा, यू कैन फाइंड दैट। ये आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया और इसमें पूछ दिया व्हाट इज एवरेज करंट आई एवरेज फॉर जीरो टू टू टी नॉट और फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा इसमें मैंने बोला नहीं, जीरो से वन टाइम पीरियड में देखोगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें जो लिमिट पुट किया था, जीरो से लॉन्ग टाइम में लेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। एवरेज करंट इन साइनोसॉइडल फंक्शन में अल्टरनेटिंग करंट में आई एवरेज जीरो होता है, इसमें कैसे निकालेंगे कोई क्विकली बताओ आंसर क्या होगा इसमें। Area of the triangle. Average current निकालना है, तो कहा था IDT का integration, स्वयं प्रकाश ने बहुत अच्छा बताया, कहोगे सर ये तो area of the triangle ये है, तो ये area लिख लो divide by ये वाला length 2t not, क्या हो जाएगा ये area I not into हाफ इंटू आई नॉट इंटू टू टी नॉट डिवाइड बाई टू टी नॉट, कितना हो गया आई नॉट बाई टू, एक्सपेक्टेड भी था आई नॉट बाई टू आना, क्यों एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आई लर्न लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियर जब लीनियर चेंज होता है तो एवरेज वर्क्स, तो न ये होगा न ये होगा, इसका जस्ट हाफ होगा। अब क्या करना है, क्योंकि बेसिक क्लियर हो गया तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगा, अभी मुझे निकालना है आई का एवरेज नहीं, आई स्क्वायर का एवरेज, मुझे निकालना है एवरेज ऑफ द आई स्क्वायर। देखो एवरेज कैसे लिखते हैं, इससे पहले जो लिखा था ना वो था आई एवरेज, तो इसको ऐसे लिखते हैं आई बार, तो आई स्क्वायर बार, दैट मीन्स दिस इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, this is the definition, the question aa gaya if I is equal to I naught sin omega t then find average of a square of current, निकालो कितना आ रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, डेफिनेशंस क्लियर हो गया। यहां भी अगर मैं कहूं बच्चों कि आई स्क्वायर का है तो मैं क्या करता हूं, ग्राफ ड्रॉ करता हूं आई स्क्वायर का, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा, ये थोड़ा जो आई वर्सेस टी का था उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसमें आई का नीचे जाता था स्क्वायर है तो फिर ये ऊपर जाएगा,
तो अगर आई स्क्वायर वर्सेस टी कर दिया तो ये एरिया बाय टाइम इंटरवल, तो यहां से यहां ये टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों टी बाय टू का, एंड यू कैन गेस दैट कि आई स्क्वायर का एवरेज जीरो से टी बाय टू में करो या जीरो से टी में करो या जीरो से टी बाय फोर में करो, क्या ये रियलाइज हो रहा है कि ये सेम ही होगा? यस, बहुत ही सिंपल सा यार, आई स्क्वायर का एवरेज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो मैथमेटिक्स है जिसमें तुम लोग एंजॉय करते हो। आई नॉट स्क्वायर बाहर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इंटीग्रेशन पता है, और मैं ये भी अभी बताऊंगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज एक टाइम पीरियड में हाफ होता है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी और मुझे लगता है कहीं तो कहीं सिखाया है, कहां सिखाया, एसएचएम में नहीं, परेशान हो जाएंगे, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे बच्चों, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू, इसका एवरेज तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि इसको जब ओपन करेंगे तो 1 बाई 2 dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dt का इंटीग्रेशन I नॉट स्क्वायर, ये 1 बाई 2 रह जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा t। अब देखो ये cos है, साइनोसाइडल का तो एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो एक टाइम पीरियड में या हाफ टाइम पीरियड में, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये 2 ओमेगा। So, इसका एवरेज आ गया बच्चों आई नॉट स्क्वायर बाई टू, बहुत स्लोली मैं बता रहा हूं, हमने निकाला आई स्क्वायर का एवरेज, तुम कहोगे सर एक काम करो ना इसका रूट निकाल लो, आई स्क्वायर का एवरेज का रूट तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू का रूट। मुझे पता है कि सबको पता है, सबको पता चल रहा होगा क्या क्या सर पढ़ाने वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोले थे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करेंट, एवरेज को ही मीन बोलते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर किसका, ऑफ करंट, मीन ऑफ स्क्वायर, और उसका क्या कर दिया रूट, तो क्या हो जाएगा इसको रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इसको क्वांटिटी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में आर एम एस ऑफ करंट, RMS करेंट। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको क्या बोलेंगे IRMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर किसका, करेंट का। अगर जिसको समझ में आ गया तो वो बता सकता है कि RMS करेंट इसका क्या होगा, और ये सिमेट्रिक है बच्चों,
जैसा जीरो से टी नॉट है इंक्रीज किया फिर वैसा ही डिक्रीज किया, तो शायद अभी तक तो तुम गेस कर सकते हो कि जीरो से टी नॉट में आर एम एस या टी नॉट टू टू टी नॉट में आर एम एस या आई एवरेज या जीरो से टू टी नॉट में आई एवरेज, तीनों इक्वल हो। तो वैसे कैसे करें इसको, तो करना क्या बच्चों, किसी टाइम पे हमें करंट लिखना है। ये ग्राफ तो बड़ा आसान है, इस लाइन का स्लोप कर सकते हैं मतलब पता है, तो ये आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू या तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिख लो या ट्राइंगल से लिख लो। एम यहाँ पे हो गया आई नॉट बाई टी नॉट, ये हो गया एम इंटू टी, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन। हालांकि मैं अभी लिख रहा हूं ये जो है वो टी लेस देन इक्वल टू टी नॉट के लिए है। आई स्क्वायर का पहले एवरेज निकालते हैं, आई नॉट बाई टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन, आई नॉट स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर टी क्यू बाई थ्री जीरो से टी नॉट डिवाइड बाई जीरो से टी नॉट, आई स्क्वायर का एवरेज कम्स आउट एज आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, चेक कर लो। सो आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट थ्री, अब मान लो हमने तो इतना मन से पढ़ा दिया और सवाल ऐसा आ गया, ये करंट ऐसा स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग जीरो से टी नॉट तक इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीजिंग फिर ऐसा निगेटिव में गया फिर पॉजिटिव में, इट विल कंटिन्यू। पूछेगा इसका आरएमएस करंट क्या होगा फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम पूछे या थ्री टी नॉट में पूछे या सिक्स टी नॉट में पूछे, और मैं देखता हूं कि एसएचएम का फंडा किसको क्लियर है। ये ग्राफ समझ में आया, मेरे पास बोर्ड का भी कंस्ट्रेंट है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, है ना, प्लानिंग भी सही था लेकिन थोड़ा छोटा ड्रॉ करता है तो प्लानिंग गड़बड़ हो गया तो मेरा बोर्ड इधर खत्म हो गया, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट हो क्या ड्रॉ करते आगे तुम्हें पता है। तो मैं किससे पूछूं, अथर्व, अथर्व निरहाली, अथर्व बताना कि ये क्या एसएचएम है आई का, सॉरी एसएचएम नहीं, क्या ये पीरियोडिक है आई का टाइम के साथ, इज इट पीरियोडिक? जी सर पीरियोडिक है। What is time period? इस periodic current का time period कितना है? Sir, 60 knot. 60 knot, बहुत बढ़िया, 60 knot is the time period, 3 t knot नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है, लेकिन अगर यहां से ऐसे और ऐसे कर देते तो 3 t knot होता, बहुत बढ़िया। तो मुझे बच्चों इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे आई आर एम एस, दिस इज योर होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इनको याद दिला देना। और नेक्स्ट सवाल आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, फाइंड
आरएमएस करंट फाइंड आरएमएस करंट फॉर वन टाइम इंटरवल और फॉर लॉन्ग टाइम है ना क्या होगा तो कहोगे सर ये कुछ बड़ी चीज है नहीं। आरएमएस करंट का मतलब हमें तो ये निकालना है आई स्क्वायर का एवरेज बाद में रूट कर देंगे आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय डी टी का इंटीग्रेशन। इसको जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा आई वन स्क्वायर रहेगा प्लस आई वन स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन तो आई वन स्क्वायर ही बचेगा प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन अब प्लस टू आई वन आई टू साइन ओमेगा टी देखो इसमें तो dt का इंटीग्रेशन और dt का इंटीग्रेशन कट गया सिर्फ i1 स्क्वायर लिख दिया। कैन यू गेस ये क्या होने वाला है i2 स्क्वायर y2 y2 प्लस व्हाट विल बी दिस यार साइन ओमेगा टी का एक टाइम इंटरवल में एवरेज क्या होगा जीरो पावर वन है साइन स्क्वायर का हाफ सो आई स्क्वायर का एवरेज इस पर्टिकुलर केस में कितना हो गया आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर बाय टू। अब सुनना एक चीज अगर मैं पूछूं कि इसका सिर्फ इसका आई स्क्वायर आरएमएस आई स्क्वायर कितना होगा सिर्फ इसका इतना होगा आई टू साइन ओमेगा टी का एवरेज। एनीवे ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको नहीं सर रुक जाओ सॉरी। अब कुछ बच्चे तो जरूर सोच रहे होंगे कि सर ये आई स्क्वायर का एवरेज क्यों निकल पा रहे हो आरएमएस क्यों निकल पा रहे हो हमारे किस काम का है ना तो उसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं। अब सुनना एक रजिस्टर है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। अगर मैं पूछूं इससे टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया लॉन्ग टाइम इंटरवल में या एक टाइम इंटरवल में लॉन्ग टाइम या वन टाइम कहोगे जीरो बिकॉज जितना इधर गया उतना इधर आया। लेकिन क्या इसमें हीट प्रोड्यूस जीरो होगा क्या चाहे करंट इधर जा रहा चाहे करंट इधर जा रहा हीट तो प्रोड्यूस होगा ही। इसलिए घर में जो बल्ब होता है घर में जो सप्लाई है हाउस होल्ड सप्लाई वो बच्चों सबको क्लियर है कि वो है अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई। और जब तुम्हें बल्ब जलाना होता है तो तुम क्या करते हो सीधे बल्ब लगा दिए होल्डर में डायरेक्टली और बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन
तुम्हें जब मोबाइल चार्ज करना होता है तो क्या कोई डायरेक्टली प्लग लगा दिया और उसमें बैटरी में लगा देंगे तो चार्ज होगा? तुम उसके लिए एक चार्जर खरीदते हो कि नहीं? उसमें कुछ रहता है इंटरनल, वो चार्जर क्या करता है सबको क्लियर है क्या? जो मोबाइल चार्ज करते हो या कुछ भी चार्ज करते हैं या फ्रिज में जो लगा हुआ उसके अंदर कुछ है, वो बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब फिर एक ही डाक्से में करंट फ्लो करता है, बैटरी चार्ज हो जाता है। अगर डायरेक्ट प्लग से और उसको ज्वाइन कर देंगे तो कभी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज मुझे उसमें एक ही डाक्से में फ्लो कराना है चार्ज को, इसलिए उसमें चार्जर लगा रहता है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, बल्ब के लिए वो चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर हीट प्रोड्यूस करना है तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो मैं पूछूंगा इसमें कितना पावर जनरेट होगा, तो किसी टाइम पे तुम कहोगे कि सर आई स्क्वायर आर पावर है, तो पावर हो गया तुम्हारा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पावर क्या है? वेरिएबल है, कभी जीरो कभी पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव तो होगा नहीं। लेकिन बच्चों ये है इंस्टेंटेनियस पावर, मुझे चाहिए एवरेज पावर क्या होगा, ऑन एन एवरेज बल्ब कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा। सो व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज तो निकालने आता है तुझे। देखो साइंस कितना आसान है, फिजिक्स कितना आसान है यार, पी डीटी का इंटीग्रेशन, डीटी का इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा यहां पे? I not square what is this? This is I square का average, या आई स्क्वायर का एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। सो व्हाट इज एवरेज पावर? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला। चलो तो इसमें क्या देखा कि अगर पावर एवरेज निकालना है तो देखो कौन सा रोल प्ले कर रहा, आरएमएस, एवरेज नहीं, आरएमएस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाई हम आरएमएस करंट के लिए इतनी बात की है। एवरेज करंट निकालना है तो आई स्क्वायर आरएमएस, मतलब ऐसे समझो कि अगर डीसी सप्लाई होता, कांस्टेंट करंट होता, तो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर सेम होता और आई स्क्वायर आर होता। बट अगर एसी सोर्स है और एसी सोर्स में अगर पावर जनरेट निकालना है तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर आएगा। आई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, सॉरी आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर है तो एवरेज पावर निकालने के लिए पीक वैल्यू नहीं, क्या चाहिए? आरएमएस वैल्यू चाहिए। अब एक बात कर बताते हैं, मुझे ना करंट मेजर करना है, तुम्हें करंट मेजर करने के लिए डिवाइस बताया था आमीटर। आमीटर कैसे वर्क करता है, गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है बताया था थोड़ा सा, अभी और आगे बताऊंगा जब मैग्नेटिज्म मेंस वाला पोर्शंस कराऊंगा, कि करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस पर टॉर्क लगता है, कितना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, उतना ज्यादा एंगल रोटेट करेगा, एंड वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ, वी फाइंड करंट, वैल्यू ऑफ करंट। तो जो डीसी एमीटर है बच्चों, अगर हमने डीसी एमीटर इसमें लगा दिया
तो डीसी एमिटर अगर लगा दिया तो उसका जो क्वाइल है, पहले करंट ऐसे जा रहा है एक डायरेक्शन में, तो क्वाइल जैसे इधर रोटेट हो रहा है तब तक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी एसी का बहुत फास्ट होता है, बहुत हाई होता है, ऐसे आ जाएगा। तो क्या डीसी एमिटर से एसी करंट मेजर कर सकते हैं? अगर इसमें डीसी एमिटर लगा हुआ है तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमिटर? व्हाट इज रीडिंग ऑफ द एमिटर? क्योंकि रीडिंग विल बी जीरो, क्योंकि कभी करंट इधर कभी करंट इधर, तो ये कभी डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा कभी इधर दिखाएगा। लेकिन ये इतना फास्ट होता है, तुम्हें पता है कि हाउसहोल्ड सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आकाश क्या होता है हाउस होल्ड का फ्रीक्वेंसी, हाउस होल्ड सप्लाई का? 220 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 220 टाइम्स फ्लक्चुएट कर गया, 220 टाइम्स एक सेकेंड में। तो जब तक क्वाइल इसको रेस्पॉन्ड होने में कि ये थोड़ा इधर जाए तब तक तो डायरेक्शन उधर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा भी नहीं, वो तो तुम्हें सीधे दिखेगा, बिकॉज इतना फास्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है, रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा, उतना सेंसिटिव नहीं है कि उतना इतना फास्ट करेगा। सो सारे बच्चों को क्लियर? ये तो टेंथ में ही क्लियर हो जाता है। डीसी एमिटर अगर एसी करंट में लगाएंगे एसी सर्किट में, सो इट्स रीडिंग विल बी जीरो। So to measure AC current, हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करें कि वो AC करंट मेजर कर पाए जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा? वो तो करंट मेजर नहीं कर पाएगा। हमें कुछ ऐसा फैक्टर लेना है जो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड ना करे, और तुम कह सकते हो जैसे हीट प्रोड्यूस। जैसे हीट प्रोड्यूस है ना, हीट प्रोड्यूस को लेकर के, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको लेकर के अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअली उसके लिए जो यूज करते हैं उसको कहते हैं टू मेजर एसी करंट वी यूज हॉट वायर एमीटर, एसी एमीटर, हॉट वायर एमीटर। वो ऐसे डिपेंड करता है, एक्सी वर्मा पढ़ लेना, कि वायर होता है उससे पास कराया तो कितना हीट जनरेट होगा, हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका लेंथ चेंज होता है, वो लेंथ चेंज को मेजर करके हम करंट मेजर करते हैं, मतलब जो हीट प्रोड्यूस से रिलेटेड हो। अब तुम लोग बता सकते हो कि एसी एमिटर क्या मेजर करता है, पीक वैल्यू मेजर करेगा कि आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा? सो इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू। तो लिख लेना एसी एमिटर मेजर्स आरएमएस वैल्यू नॉट पीक वैल्यू। तो अगर किसी सर्किट में कभी दिया रहेगा कि सर्किट में इतना करंट है, एसी करंट है, इतना करंट है 5 एम्पियर, तो एक्चुअली में वो आरएमएस करंट है। एकदम समझ लेना इसको, किसी सर्किट में दिया हुआ कि एसी करंट 5 एम्पियर है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट आरएमएस नॉट पीक वैल्यू। ये समझ में आ गया?
तो अगर मान लो मैंने कहा 5 एम्पियर इज द करंट, तो पीक वैल्यू अगर पूछना है तो तुम क्या कहोगे? सॉरी, RMS इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट टू, I नॉट इज इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस, तो ये निकाल लो। Now, पावर का फॉर्मूला तो तुमने ये भी पढ़ा होगा, V into I, पावर सप्लाई बाय एनी सोर्स। मान लो सोर्स का EMF E है, करंट I है, वो I दे रहा है, तो E into I भी बताया था। तो मैं एक सवाल लेता हूं, अगर E is equal to suppose दिया हुआ E naught sin omega t और I is equal to दिया हुआ I naught sin omega t, तो इंस्टेंटेनियस पावर तो हो जाएगा E नॉट I नॉट सॉरी प्लस फाइव, ऐसा है E नॉट I नॉट साइन ओमेगा T प्लस प्लस नहीं इनटू ओमेगा T प्लस फाइव। क्या बता सकते हो इस केस में व्हाट इज एवरेज पावर, क्या निकाल सकते हो या होमवर्क दे दूं? So, गौरव ने बता दिया कि सर ये क्या हो जाएगा E नॉट I नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, सही बताया गौरव, यही है ना? हाँ सर। देखो बच्चों, मैंने ना सवाल में ही ऐसे करा दिया, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी तो वहां पे मैं बच जाऊंगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट बाई रूट टू I नॉट by root 2 into cos 5। अब मैं बता रहा हूं कि ये और ये दिया रहेगा तो इसका एक टर्म आता है कॉल्ड पावर फैक्टर। सो पी एवरेज, ये फॉर्मूला तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी, इसको लिखेंगे ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5 and this is called power factor। किसी सर्किट का पावर फैक्टर कहलाता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे बट डिराइव नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा। और जिसको तकलीफ हो रही है इसको लाने में यहां से, हाँ बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला, इसको ब्रेक कर लो और इंटीग्रेट कर लो, जो भी है आ जाएगा।